आइए हम यहाँ पर बात करते हैं, जो इमरान खान है क्या वो अपना प्रधानमंत्री का जो पद है वो खो देंगे, क्योंकि इमरान खान की जो पार्टी है वो खुद इमरान खान के खिलाफ जा रही है। तो यहाँ पर जो नो कॉन्फिडेंस वोट होने वाला है उसमें इमरान खान की क्या होगी सीटीबीटी गुल, है ना। इसी तरीके के जो न्यूज़ में हमें कैच लाइन देखने को मिलती है, इमरान खान की हो गई सीटीबीटी गुल। खैर, तो यहाँ पर इमरान खान जो है किस तरीके से यहाँ पर पूरा सिनारियो चल रहा है उसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान का नो ट्रस्ट मोशन। पाकिस्तान इमरान खान जो है वो यहाँ पर कोर्ट रूलिंग ओवर डिफेक्शन देख रहे हैं, जिससे कि जो उनके लोग हैं जो उनके तरफ वोट कर सकते हैं भाई उनको डिफेक्शन ना हो, वो डिस्क्वालीफाई ना हो, वहाँ पर बरकरार रहे, जिससे कि उनको वोट मिले और वो जो मेजोरिटी का आंकड़ा है उसको पार करके प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इमरान खान जो है वो प्रधानमंत्री पद से निकल जाएंगे और यहाँ पर उनका कार्यकाल जो है इतना ही सीमित रह जाएगा। अब देखिए एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाएंगे। इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरन सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, मतलब GS 1, 2, 3, 4 सभी देखने को मिलेगा। हाइएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस में, तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एन्जॉय कीजिए। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर हम देखें तो उसमें इतनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें देखने को मिलती है, जिसमें से इमरान खान की अगर हम देखते हैं पाकिस्तान तारिक ए इंसाफ PTI, ये वाली हमें सेंट्रल राइट पार्टी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सभी हमें देखने को मिलती है। अब इसमें से अगर हम देखें तो बेसिकली जो 2018 में इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में, उसमें जो इमरान खान की पार्टी है PTI वो सबसे ज़्यादा सीट्स लेने वाली पार्टी बनी थी। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो पाकिस्तान है उसमें 342 सीट्स हमें नेशनल असेंबली में देखने को मिलते हैं, और किसी भी पार्टी को, जैसे भारत में उसी तरीके से पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपनी मेजोरिटी साबित करनी है या फिर अपनी सरकार बनानी है तो उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है वो चाहिए होती है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ प्लस उसका 50% प्लस 1 इतनी सीट चाहिए होती है। तो यहाँ पर 342 अगर हम देखते हैं तो मेजॉरिटी के लिए 172 सीट जो है वो चाहिए होती है, जिसके पास 172 लोग रहेंगे उनकी सरकार बन जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर PTI देखते हैं, मतलब इमरान खान की जो सरकार है उनका देखते हैं, मतलब जो पार्टी है उनका देखते हैं, तो उनकी जो सीट्स है 149 हमें देखने को मिलती है। बाद में रिवाइज इसमें 155 भी कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 149 जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। एंड देन उसके बाद बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी अलग अलग वेरियस सीट्स यहाँ पर पाई गई है। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 172 का आंकड़ा जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट ने पार नहीं किया है। बिल्कुल सही है, इसीलिए तो यहाँ पर हमें कोएलिशन की गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे इंडिया में भी हमें कई बार कोएलिशन की गवर्नमेंट देखने को मिली है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी अगर आप देखोगे तो प्योरली जो इमरान खान की, जैसे हमारे यहाँ पर अभी कंप्लीट जो BJP की गवर्नमेंट है वो देखने को मिल रही है, कोएलिशन की गवर्नमेंट नहीं है, कंप्लीट मेजोरिटी BJP को मिली है। तो पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कंप्लीट मेजोरिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमें कोएलिशन की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो उसमें जो पाकिस्तान तारिक इंसाफ है उसके सपोर्टर्स, बाकी जो पार्टीज़ है उनको, कई सारी छोटी छोटी पार्टीज है उनको यहाँ पर एक साथ लाया गया है, जिससे कि उनका आंकड़ा जो है 176 पहुँच गया है। तो इस तरीके से हमें वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिली है, जिसके तहत हमें यहाँ पर जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो फॉर्म होती हुई देखने को मिली। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितना भी अपोजिशन पार्टीज है उनका अलायंस यहाँ पर बन चुका है ना। उसमें नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग बोलिए, आसिफ अली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोलिए, और मौलाना जो फजलूर है रहमान उनकी जमात इस्लाम बोलिए। तो ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये एक साथ आ गई है और अब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में यहाँ पर उन्होंने सबमिट किया है स्पीकर के पास। नो कॉन्फिडेंस मोशन कब होता है कि उनका ये मानना है कि जो इमरान खान यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास 172 लोग है इनका सपोर्ट है, वो यहाँ पर एक्चुअल में उनके पास नहीं है, ऐसा यहाँ पर अपोजिशन पार्टी का बोलना है। अब अगर यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा अगर आपने एम अकेडमी ऐप पर पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं अपने वो देखे होंगे तो उसमें सभी चीज़ें मैंने कवर की हुई। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि भाई अगर किसी ने समझ लीजिए 172 यहाँ पर उनको मिले हैं तो मतलब इन्होंने अपनी मेजोरिटी जो है वो साबित कर दी है, लेकिन किसी समय पर अगर ऐसा लगता है कि इनके पास 172 मेंबर्स नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास किया जा सकता है, जिसमें फिर से देखा जाएगा कि इमरान खान की तरफ कितने लोग हैं। अगर ये 172 से ज़्यादा लोग भर जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे,
अगर उनके पास 172 से कम रहते हैं तो प्रधानमंत्री जो है वो नहीं बनेंगे, उनको राजीनामा देना पड़ेगा, रेसिग्नेशन देना पड़ेगा, उनकी पूरी गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अभी लाया गया है तो ये इसीलिए लाया गया है ताकि इमरान खान की सरकार जो है उसको गिराया जाए। ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंट टाइम में देखा गया है कि जो इमरान खान है वो यहाँ पर पाकिस्तान की जो हालत है बहुत ख़राब होती जा रही है, जो पैसे हैं पाकिस्तान के वो ख़त्म होते जा रहे हैं, सारी जो चीज़ें हैं मतलब पाकिस्तान की जो इमेज है वो तहस नहस हो रही है, सब कुछ ख़राब हो रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं इमरान खान जो है वो ज़िम्मेदार माने जाते हैं, और इमरान खान ज़िम्मेदार है भी। अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो तो वो रशिया चले गए थे, है ना, जब रशिया पुतिन जो है वो हमला कर रहे हैं तब वो रशिया से जाने की मिल रहे हैं, तो ग्रे लिस्ट में उनको रखा जा रहा है, सब कुछ वहाँ पर मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही हो रहा है। अब देखिए इसमें ये जो चीज़ें होती है इसमें जो पाकिस्तान की आर्मी है ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मतलब आर्मी जो है बेसिकली वही गवर्नमेंट चलाती है, ऐसा अगर बोला जाए तो वो भी सही होगा। इमरान खान की जो सिचुएशन है और मोर डायर है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी जो उसके साथ उसका फॉलोआउट हमें देखने को मिल रहा है। जब 2018 में इलेक्शंस हुए थे जो इमरान खान है, ऐसा कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है यहाँ पर इमरान खान को, और उन्होंने यहाँ पर इमरान खान जो उसको प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा फॉलोआउट जो है आर्मी के साथ उनके देखने को मिले हैं। और अगर आप देखोगे तो जो मिलिट्री कूप है पाकिस्तान में वो काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब 1958 से ही न्यूमरस सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है 1951 से हमें देखने को मिले हैं मिलिट्री के, मतलब समझ लीजिए पाकिस्तान जो है सेवरल डेकेड मिलिट्री रूल में ही उसने गुजारा है, भले वो 1858 से 71 हो, 77 से 88 हो, 99 से 2008 हो, तो मिलिट्री जो है उसी के अंडर में यहाँ पर जो है वो अपना कार्यकाल बिताता है, मतलब डेमोक्रेसी की सरकार बनती है, कुछ समय रहती है, मिलिट्री जो है वो कूप कर लेती है, अपने अंडर में ले लेती है, एंड देन फिर पाकिस्तान जो है उसको चलाती है। और अगर वो डेमोक्रेसी के तहत अगर गवर्नमेंट चला भी रही है फिर भी मिलिट्री ही चलाती है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। तो इस तरीके से अभी भी हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है कि भैया आर्मी जो उसके साथ झगड़े होने की वजह से या फिर आर्मी के साथ फॉलोआउट होने की वजह से जो इमरान खान है वो यहाँ पर अपना प्रधानमंत्री पद जो है वो खो सकते हैं। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो इमरान खान के साथीदार हैं वो भी इनके अगेंस्ट में हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो हाई चांसेस है यहाँ पर कि इमरान खान जो है वो अपना प्रधानमंत्री पद खो सकते हैं और अब वो प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा मसला जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपकी क्या राय है और इसके भारत पर परिणाम जो है वो किस तरीके के हो सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।